अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारा कोई वीलॉग नहीं है, ये हमारी टूर्स की वीडियो है। तो आप ये वीडियो देखते जाएं और इंजॉय करते जाएं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं सवात मालम जब्बा। तो ये रास्ता आप देखें, बहुत ही खूबसूरत रास्ते के मनाजिर हैं। तो जो ही आप देखते जाएंगे, आपको भी ज़रूर पसंद आते रहेंगे। तो आपने एंड तक हमारी वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम टूर पे निकले हुए। ये हमारे दोस्त हैं, ये हैं हसन भाई हरीपुर हज़ारा से, और ये हमज़ा भाई मेरे बड़े प्यारे भाई उमर भाई, पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। और ये मुनीब भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। ये हमज़ा भाई के छोटे भाई मुबशर भाई। हम टूर पे आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के आपको ज़रूर हम दिखाते रहेंगे। तो अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? अभी हम सवात में। अच्छा, सवात से थोड़ा सा पीछे ही खड़े हुए हैं हम। तो इंशाल्लाह जूँ ही हम आगे जाते जाएंगे, वीडियो बना के आप तक हम शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मालम जब्बा की तरफ। तो हम कहीं पे रास्ते में बैठेंगे, यानी कि अपना खाना बनाएंगे। तो आइए आप वो भी देखें कि किस तरह हम अपना खाना बनाते हैं। फाइनली तो दोस्तों, ये वो लोकेशन है जहाँ पे हम बैठे हैं खाना बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, हम जा रहे थे मालम जब्बा, ऊपर है इस साइड पे। तो अभी हम यहाँ पे रास्ते में रुक गए। ये भाई बैठे हुए काम से आवाज़ार, दोनों काम चोर, और ये अकेला लगा हुआ है। ये फराज, ये हम हमदा भाई, और ये हसन भाई भी यहाँ पे खाना बना रहे हैं। मैंने चावल धोए, मैंने भी काम की है। तो दोस्तों, अभी हम मालम जब्बा से निकलकर बहरीन की जानिब जा रहे हैं। बहरीन जो कि पाकिस्तान का लंदन उसे कहें तो इस बात में कोई शक नहीं, इतना खूबसूरत शहर है। अभी आगे चल के आप वो भी ज़रूर देखेंगे। तो वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह मैं आपको सारे मनाजिर दिखाता हूँ, बहरीन सिटी के भी सारे मनाजिर आपको दिखाता हूँ। ये है जी बहरीन, खूबसूरत शहर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये हमने होटल लिया, होटल के पीछे ये दरिया है। तो आप दरिया के ये खूबसूरत मनाजर देखें। इंशाल्लाह इसके बाद हम शहर जाएंगे, बहरीन शहर। तो वो भी आप मनाजिर देखें, पहले आप
ये खूबसूरत मंजर देखें। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मोंडन लेक, तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आएगा, आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। ये है जी वो पॉइंट जब आप बहरेन से कालाम जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों दरिया के पार भी एक बैठने की जगह बनाई हुई है, तो वो सामने आबशार लगे हुए हैं, आबशार के पास आप बैठ सकते हैं, तो लिफ्ट के ज़रिए आप दरिया पार कर सकते हैं। तो ये आप खूबसूरत मनाजिर देखें, तो ये जो सामने लिफ्ट आ रही है, तो ये लिफ्ट के ज़रिए आप दरिया के पार जाके उस पॉइंट पर बैठ सकते हैं। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं मोंडन लेक की जानिब, तो रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप आता है उशु, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करें और वहाँ से जीप पकड़ें, जीप के ज़रिए आप ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी अपनी गाड़ी नहीं जा सकती। जा तो सकती है लेकिन गाड़ी को कोई ना कोई मसला बन जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप उशु में अपनी गाड़ी ठहराएँ और वहाँ से जीप पकड़ें, जीप पकड़ कर आप मोंडन लेक की जानिब जा सकते हैं। ये है जी दोस्तों बहुत ही प्यारा मोंडन लेक यानी मोंडन झील, बहुत ही प्यारा मंजर है। मैं हूँ, ये मेरे सारे दोस्त हैं और हम वापस जा रहे हैं। ये आमिर की टोपी चली गई, ये आमिर की टोपी जा रही है। ये देखे भाई, ये आमिर की टोपी डूब गई पानी में, ये पानी में डूब गई आमिर की। हम उठा के ले